पंचितो हम महाराज सरिता बंधु रूपिणा जेन मे पहरम तेजो देव विस्थापनम महत। प्रभु जिनकी कृपा से मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से खांडव वन का दहन किया, जिनकी कृपा से भीम भैया ने जरासंध का वध किया, जिन्होंने द्रौपदी का अपमान का बदला लेने में सहयोग किया, जिन्होंने दुर्वासा के कोप से हमें बचाया, जिनकी कृपा से हमने बाबा भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट किया, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रभु हम लोगों को छोड़कर चले गए और उनके जाने के बाद रास्ते में कोल भीलों ने मुझे लूट लिया। जैसे ही भगवान के स्वधाम गमन की सूचना कुंती को मिली, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और पांडवों ने तुरंत परीक्षित को सत्ता सौंप दी, अपना स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण इधर परीक्षित जब राजा हो गए तो एक बार निकले कि अपने राज्य में देखें कि हमारे पुरखों के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो निकले तो देखे एक गाय है एक बैल है आपस में संवाद कर रहे हैं और गाय बैल के संवाद को देख करके दुखी देखकर परीक्षित ने पूछा, भाई आप बताइए वृषभ देवता आप क्यों इतने दुखी हैं, आपका दुख का कारण क्या है। वृषभ ने कहा महाराज वेदांती लोग तो कष्ट का कारण बताते हैं, स्वयं को ज्योतिष लोग बताते हैं ग्रह नक्षत्र को, मीमांसक लोग कर्मों को बताते हैं, सांख्य लोग स्वभाव को, पौराणिक लोग ईश्वर को, मैं क्या बताऊं कि मेरे दुख का कारण कौन है। परीक्षित ने कहा हम समझ गए, इस तरह की दार्शनिक भाषा में जवाब और कोई नहीं देगा, आप धर्म महाराज है वृषभ के वेश में, ये गौ माता है जो ये पृथ्वी है जो गौ माता के भेष में है, लेकिन ये दुष्ट कौन है काला काला जो तलवार लेकर के आपके तीन पैरों को खंडित करके आपको पीड़ा दे रहा है। तलवार निकाल करके दौड़े, मेरे रहते हुए गाय गौ माता को कष्ट हो वृषभ देवता कष्ट हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दौड़े तलवार निकाल कर इसका वध करूंगा। कलयुग साक्षात चरणों में आकर परीक्षित के गिर गया, कहा सरकार मेरे आने का समय हो गया, मुझे माजिए मत, मेरा समय हो गया है, मुझे आने दीजिए, मुझे जगह दीजिए। इन्होंने कहा मेरे राज्य से बाहर, सरकार पूरी धरती पर आप ही का राज्य है तो जगह दे दो। तो दूतम पानम स्त्रिय है सूना यत्रा धर्म चतुर्भुज, दूत को पान को स्त्री को सूना, जहां हिंसा होती है जहां जुआ होता है जहां मद्यपान होता है जहां जीव की हिंसा होती है, ये सब तो दिया कहा सरकार, ये सब गड़बड़ जगह है, एक अच्छा जगह भी दे दो। तो स्वर्ण में बास दे दिया और जैसे स्वर्ण में बास दिया, जरासंध का जीता हुआ मुकुट पांडव लेकर गए थे, जरासंध को जीत करके खजाने में रखा था, परीक्षित वही मुकुट लेकर पहन करके निकल गए थे, वो उसी मुकुट में जो स्वर्ण था उसी में कलयुग प्रवेश कर गया और एक ऋषि का अपमान हो गया। ऋषि हैं समाधि में बैठे हैं, राजा को लगा प्यास लगी, आवाज दिया, ऋषि की समाधि नहीं टूटी, उन्हें लगा स्वागत करने के भय से ऋषि ने समाधि का ढोंग रच लिया है, मृतक मृत पड़ा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, फिर भी समाधि नहीं टूटी, राजा तो चले आए लेकिन ऋषि के पुत्र को जब पता चला, छोटा सा बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसको जब पता चला हमारे पिता को राजा ने अपमानित किया है, गले में मृतक सर्प डाल दिया है, तो उसने इतना भयंकर साप दे दिया, हाथ में कौशिकी जल कौशिकी नदी का जल उठाया और इति लंघित मर्याद तक्षक सप्तमेहनि दक्षन्त्यस्म कुलंगार नोदितो मे तद्द्रुहम्। अरे राजा तू होगा चक्रवर्ती, तू चाहे जितना बड़ा राजा हो लेकिन तेरी ये धृष्टता कभी भी मैं सहन नहीं कर सकता कि तू किसी ऋषि का अपमान कर दे, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे, ले तूने अपमान किया है तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं।